नाका में बेखौफ बदमाशों ने सिपाही को गोली मार दी, जहां पर गंभीर रूप से घायल सिपाही को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और साथ ही साथ कुछ युवक को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। और तलब है कि नाका थाना में तैनात अजीत यादव को गोली मारी गई है। घायल सिपाही अजीत यादव अलीगढ़ का निवासी है। ट्रॉमा सेंटर में उन्हें देखने के लिए एसएसपी कलानिधि भी पहुंचे। देर रात चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति जो है थाने से चारबाग की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जहाँ पर हमारे सिपाही अजीत यादव ने जो है आगे जाकर के जैसी जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो वहाँ पर फायर किया, जो उसकी गोली लगी। डॉक्टरों के मुताबिक जो गोली है वो बाहरी सतह, खाल की बाहरी सतह के ठीक नीचे है और सिपाही जो है पूर्णतः खतरे से बाहर है, जैसा कि डॉक्टरों ने बताया है, एक्सरे कराया जा चुका है। वहाँ पर उसी सिपाही ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाश को पकड़ लिया और जो अन्य वहाँ पर पुलिस के मौजूद लोग थे उन्होंने भी एक अन्य बदमाश को भी वहीं पर ही पकड़ लिया है। तो इस तरह से जो दो बदमाश वहाँ पर लड़ते थे उनको मौके पर ही गिरफ्तार किया गया और इनके जो लड़के हैं नए उम्र के लड़के हैं, आपराधिक इतिहास अभी तक इनका कुछ पता नहीं चल पाया है, उसकी कोशिश की जा रही है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि रात के समय गश्त के दौरान संदिग्ध लग रहे युवकों को रोकने और पूछताछ करने पर युवक ने सिपाही को गोली मार दी और अपनी बहादुरी की मिसाल देते हुए अजीत यादव ने घायल होने के बाद भी दोनों युवकों को खुद दौड़ाकर पकड़ा और साथ ही साथ उनसे असलहा भी बरामद किया। वहीं पुलिस की माने तो वो दोनों युवकों से पूछताछ करने में जुटी हुई है।